जिस व्यक्ति को अपना प्रमाण जनेऊ पहन के देना हो, जिस व्यक्ति को अपना प्रमाण अपना गोत्र बता के देना हो, मैं इलाहाबाद में था, मुझे उनके आदरणीय दादाजी याद आ रहे थे, इलाहाबाद के उसमें आदरणीय फिरोज खान साहब का पूरा, फिरोज गांधी जी का, आदरणीय फिरोज गांधी जी का पूरा अंतिम समय वहीं पर रहा है, उनका स्मरण स्थल है कब्रिस्तान में। तो पूर्वज भी कभी कभी दुखी होते होंगे कि वो उनसे अपने को अलग कर रहे हैं कि वोट के राजनीति में। मैं सभी किसी के भी माता पिता को मैं बहुत आदर के दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन आप तो अपना बता रहे हो, आप सबका नाम लेते हो, कृपया करके पिताजी के पिताजी को भी आप प्रणाम कर लिया करो। ये हिंदू धर्म का यही पालन है ना कि हम अपने माता पिता को याद करते हैं। हम लोग तो श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध में तीन पीढ़ियों को याद करते हैं, चार पीढ़ियों को याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि अभी आप श्राद्ध कर्म जो आप करते हैं, हालांकि वो करते नहीं होंगे क्योंकि भी कभी भैया दूज मनाते मैंने नहीं देखा उनको, कभी मैंने उनको रक्षाबंधन में राखी बंधाते हुए नहीं देखा, कभी उनको दीपावली में दीप जलाते हुए हमने लक्ष्मी जी का और गणेश जी का पूजन करते हुए नहीं देखा था। चुनाव को छोड़ दीजिए, बम बम भोले होते का किया उन्होंने, अच्छी बात है, लेकिन आप में से क्या भारत की पूरी जनता ने उनको केक काटते हुए और 25 दिसंबर और 25 दिसंबर के दिन और उन्होंने पहली जो जनवरी है नया साल में स्विट्जरलैंड इटली इनमें पूरा 20-20 दिन निकल जाके चुप्पे चुप्पे जाके नया साल मनाते हुए आपने ज़रूर देखा होगा।